हेलो दोस्तों, आप सभी का बबीता के घरेलू यूजफुल टिप्स चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक और बिहारी रेसिपी जो कि जड़ा स्पेशल है। आज मैं ओल का, जिसे सूरन और जिमीकंद भी कहते हैं, ओल का मैं चोखा बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी, दोनों चीज बनाऊंगी। इसके लिए मैं ओल ली हूँ, बड़े बड़े स्लाइस में काट ली हूँ, छोटा नहीं है, बड़ा है, और इसे मैं अभी उबालूंगी। तो उबालने के लिए मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ, कढ़ाई में भी इसे उबाल सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में डाल देती हूँ। इसे कुकर में डाल देती हूँ, 1 गिलास पानी डाल देती हूँ, 1 गिलास में पक जाएगा। 1 गिलास पानी डाल दी हूँ और कुछ नहीं डालना है। इसे अच्छे से पकना है जिससे कि हम बढ़िया से मैश ले सकें, मैश के इसको भरते का रूप बनाएंगे। तो चलिए इसे पकने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं, सीटी बंद कर देते हैं। अब इसे हम पकने देते हैं 4-5 सीटी, जितना देर में ये बढ़िया से पक जाए हम बढ़िया से पकने देते हैं। तब तक हम और भी काम है जो कर लेते हैं। इसके लिए हमको लहसुन ज्यादा लगेगा। अब हम चलिए बैठ के लहसुन छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए 4-5 सीटी आने तक ओल पक गया है कुकर में। ऐसे कढ़ाई में भी हम पका सकते थे, लेकिन कुकर में पका लिए, इजिली पक गया। और इसे बिना छीले भी पका सकते हैं, पकाने के बाद भी बहुत अच्छा आलू जैसा छिलका इसका उतर जाता है। अब ये सिटी निकल भी गया है, अब मैं इसे निकालती हूँ। देखिए पकने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। झाड़ या चम्मच की मदद से सबको इसी तरह प्यार से निकाल लेते हैं। देखिए हम निकाल लिए हैं झारे की मदद से। और इसका जो चोखा या चटनी जब हम बनाते हैं सूरन का, तो जो ये वाला पार्ट होता है, छोटे छोटे जो उसके पीस इधर उधर निकले रहते हैं, उसका बहुत बढ़िया बनता है। इसका तो थोड़ा सा गीला हो जाता है ओल का, मेरे पास वो छोटा वाला पार्ट था नहीं, तो जो छोटे छोटे ओल के पार्ट होते हैं उसका चोखा और चटनी बहुत अच्छा बनता है। तो इसको हम ले लिए हैं, इसको गरम गरम ही चूरेंगे, नहीं तो फिर नहीं, कड़ा हो जाएगा। और इसके लिए देखिए, ये चोखे के लिए मैं ली हूँ लहसुन 4-5 टुकड़ा करके चॉप करके, और एक है सूखा मिर्च, और ये ली हूँ चटनी के लिए, चटनी को गांजा भी लोग बोलते हैं। 2 मिर्ची है, आधा नींबू है और लहसुन है। इसमें लहसुन थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तब तक इसको मैश करती हूँ। हाँ, गरम नहीं है, हाथ से ही मैश कर लेती हूँ। अब पूरा को एक जगह ही मैश करूंगी, अलग अलग बनाने समय अलग अलग मसाला डालूंगी। इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ, अभी थोड़ा गरम है। देखिए ओल को हम चूर के रख मैश करके रख लिए हैं, अभी एक जगह ही रहने देते हैं। अब नींबू और मिर्ची को भी, मिर्ची को छोटा छोटा टुकड़ा करके अब कूट लेंगे, लहसुन को भी साथ में कूट लेंगे। और मिक्सी में तो थोड़ा सा पिसाएगा नहीं, इसीलिए खलबट्टे की मदद से ही कूटेंगे। चलिए इसकी मदद से मैं इसको अब कूट लेती हूँ। देखिए लहसुन कूट ली हूँ, और इसी में ये चॉप किया हुआ मिर्ची डाल के इसको भी थोड़ा कूट लेती हूँ। लहसुन मिर्ची हम कूट लिए हैं, अब इसमें हम मिक्स करते हैं। पहले थोड़ा सा हम चोखा के लिए अलग कर लेते हैं, इतना का मैं चोखा बनाऊंगी और इतना का चटनी, क्योंकि चोखा एक दिन खाने के लिए रहता है
और ये जो चटनी होता है ना, 3 से 4 दिन हम खा सकते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा बना रही हूँ। और ये मैं बनाऊंगी, चोखा कम बनाऊंगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। चोखा सिर्फ मैं खाती हूँ, मेरे मिस्टर घर में और लोग नहीं खाते हैं। ये मेरे माय चोखा मायके का रेसिपी है और चटनी ससुराल का रेसिपी है। अब इसमें डाल देती हूँ ये लहसुन और मिर्ची, पूरा निकाल के डाल देती हूँ। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और नींबू निचोड़ देते हैं। जितना खट्टा आप पसंद करेंगे, नींबू का कोई ये नहीं है, जितना आप खट्टा पसंद करेंगे। इसमें नींबू डाल देते हैं। अब इसमें कच्चा तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून। लीजिए, ओल का चटनी तैयार हो गया। इससे ज्यादा नहीं सर्व करते हैं, बस दाल चावल या सब्जी रोटी किसी चीज के साथ, चटनी है तो चटनी जैसा ही इतना सर्व करेंगे, और बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा खट्टा अपने हिसाब से करेंगे, नमक अपने हिसाब से लेंगे, और लहसुन तो इसमें थोड़ा लगता है। और ये गीला अच्छा लगता है चटनी, लेकिन चोखा थोड़ा टाइट चाहिए। चोखा के लिए वो जो ओल का टोटी, उसका जो छोटा छोटा साखा रहता है, उसको हम लोग टोटी कहते हैं, टोटी का चोखा बहुत अच्छा बनता है। चलिए अब चोखा के लिए हम फोड़न करते हैं गैस पर। चोखा के लिए हमें फोड़न की जरूरत होगी, तो गैस पर चम्मच गरम होने दे देते हैं फोड़न करने के लिए। चम्मच गरम हो गया है, इसमें तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि चोखा थोड़ा ही है। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, फिर इसमें जो हम लहसुन रखे हैं काट के, लहसुन डाल देते हैं। इस लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देते हैं। लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मिर्ची भी डाल देते हैं छोटा छोटा टुकड़ा करके।
हम इसे चाकू की मदद से चला भी लेंगे या चम्मच की मदद से जो भी। अब अच्छा कलर हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो जल जाएगा। देखिए खूबसूरत कलर हो गया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मिक्स करेंगे। अभी ऐसे रख के ठंडा होने दे देते हैं। देखिए फोड़न ठंडा हो गया है। अब इस फोड़न में हम थोड़ा सा चोखा को नमकीन होने भर नमक डाल देते हैं। ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे कि हाँ अच्छा नमकीन रहे। अब इसको हम चम्मच की मदद से प्रेस करके चूर लेंगे। अगर चम्मच से नहीं होगा तो हम हाथ भी लगा लेंगे। हाथ से बहुत अच्छा से मैश हो जाता है फोड़न। और अभी तक आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके आपको तरह तरह के छोटे छोटे अपने घरेलू रेसिपी से मिलाते रहूंगी। थोड़ा सा हाथ लगाना ही पड़ेगा। हाथ से बहुत अच्छे से मैश हो जाता है क्योंकि एकदम लहसुन एकदम क्रिस्पी हो गया था। देखिए हाथ लगाने से लहसुन मैश अच्छे से हो गया। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें चोखे में। हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हम एक दिन खाएंगे। ये भी बहुत टेस्टी लगता है। ये चोखा हुआ फोड़न पका के डाले, ये चोखा हुआ। लीजिए आपके सामने तैयार हो गया ओल का चोखा और ओल का चटनी। चटनी 3-4 दिन चलेगा और चोखा बहुत होगा तो आज से कल तक खा सकते हैं। लीजिए आपके सामने तैयार है बिहार का विंटर स्पेशल ओल का सूरन का चोखा और ये चटनी। ये 4-5 दिन चलने वाला है और ये 1 से 2 दिन चलने वाला है। और अभी तक आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज का नाम है कुमार्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है कुमार्स फ्रॉम बिहार। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।